नमस्कार, मैं तानिया पांडे कोच पिछला सप्ताह के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत के विभिन्न न्यायालयों की खास खबरें। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अगर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई गजेटेड ऑफिसर प्रमाण पत्र देता है तो सेक्स वर्कर्स के लिए आधार कार्ड जारी करने के लिए निवास के किसी फॉर्मल प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्तिगण एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की खंडपीठ ने कहा कि जानकारी, विशेष रूप से सेक्स वर्कर्स के पेशे के विवरण को गोपनीय रखना महत्वपूर्ण होगा। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को उन सेक्स वर्कर्स की पहचान की प्रक्रिया जारी रखने का भी निर्देश दिया जिनके पास पहचान का कोई सबूत नहीं है और जो राशन से वंचित हैं। बेंच को सेक्स वर्कर्स की संख्या के बारे में भी संदेह था, जो कि राज्यों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने 10 जनवरी 2022 के आदेश में इसके द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर पहचान की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि ट्रायल कोर्ट के पास किसी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा देने का अधिकार नहीं है जिसे उसके शेष जीवन तक बढ़ाया जा सके। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी श्रीहरन मामले में संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्तिगण अजय रस्तोगी और अभय सोका की एक बेंच ने ट्रायल कोर्ट द्वारा रिमेंडर ऑफ नेचुरल लाइफ तक के लिए दी गई और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई आजीवन कारावास की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सिंप्लिसिटर में बदल दिया। वी श्रीहरन मामले में ये माना गया था कि कैद की किसी विशिष्ट अवधि के लिए या मृत्युदंड के विकल्प के रूप में दोषी के जीवन के अंतिम क्षण तक संशोधित दंड लगाने की शक्ति का इस्तेमाल केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है और किसी अन्य अवर न्यायालय द्वारा नहीं। संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि निचली अदालत दोषी के माफी मांगने के अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 468 के तहत लिमिटेशन पीरियड की गणना के लिए संबंधित तारीख शिकायत दर्ज करने की तारीख या प्रोसिक्यूशन के इंस्टीट्यूशन की तारीख है, ना कि वो तारीख जब मैजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया है। धारा 468 सीआरपीसी परिसीमा अवधि यानी लिमिटेशन पीरियड की समाप्ति के बाद संज्ञान लेने पर रोक से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति एक ऐसा फैक्टर है जो आरोपी के पक्ष में है। ठोस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर एक मामले में उद्देश्य बहुत महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए जाने वाले मामले में केवल उद्देश्य ही महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है और इसकी अनुपस्थिति में अभियोजन के मामले को छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही उद्देश्य की पूर्ण अनुपस्थिति एक अलग रंग लेती है और ऐसी अनुपस्थिति निश्चित रूप से अभियुक्त के पक्ष में होती है, न्यायमूर्तिगण यूयू ललित, एस रविन्द्र भट्ट और पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वादी के खिलाफ मालिकाना हक के विवाद का निपटारा होने पर संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा यानी परमानेंट इंजंक्शन का वाद सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि एक बार जब वाद को डिक्लेरेटरी रिलीफ के लिए लिमिटेशन से रोक दिया जाता है तो परमानेंट इंजंक्शन की प्रार्थना, जो एक कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ है, को भी लिमिटेशन से वर्जित कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी की चयन पद पर पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार करते समय उसका बेदाग या साफ रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। न्यायमूर्तिगण के एम जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि एक खराब सर्विस रिकॉर्ड हालांकि एक कठोर प्रतिबंध यानी इनसरमाउंटेबल बार नहीं है, फिर भी इसके कुछ परिणाम होने चाहिए और इसका चयन पद के लिए पदोन्नति में तुलनात्मक नुकसान हो सकता है। एक क्लीन सर्विस रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के लिए एम्प्लॉयर की प्रेफरेंस की सराहना की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है। न्यायमूर्तिगण अजय रस्तोगी और अभय सोका की पीठ ने कहा कि हाईएस्ट बिड या हाईएस्ट बिडर की स्वीकृति हमेशा सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने की शर्तों के अधीन होती है और हाईएस्ट बिडर के अधिकार की जांच हमेशा विभिन्न परिस्थितियों में संदर्भ में की जाती है जिसमें नीलामी आयोजित की गई है। आइए अब डालते हैं एक नजर हाईकोर्ट्स और अन्य कोर्ट्स की खबरों पर। एक महत्वपूर्ण फैसले में
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि चिकित्सा सेवाएं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की धारा 2 उपधारा 42 के तहत परिभाषित टर्म सर्विस के दायरे में आती है। जस्टिस एन नागरेश ने डॉक्टरों के एक समूह द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ये घोषित करने की प्रार्थना की गई थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरा को मेडिकल नेग्लिजेंस और चिकित्सा सेवा में डेफिशिएंसी के संबंध में शिकायतकर्ताओं का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत अलग हो चुकी पत्नी को दे भरण पोषण को सीआरपीसी की धारा 127 के तहत दायर आवेदन पर बढ़ाया नहीं जा सकता। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दिए जाने वाला मेंटेनेंस अमाउंट धारा 127 के तहत दायर आवेदनों में मॉडिफाई किया जा सकता है। अनिवार्य ये है कि मेंटेनेंस का आदेश धारा 127 के तहत दायर याचिकाओं से पहले होना चाहिए, जिसमें विफल होने पर धारा 127 के तहत मेंटेनेंस बढ़ाने की मांग वाली याचिका उपलब्ध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोप पर दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए संबंधित डीसीपी के हस्ताक्षर के तहत पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने उचित जांच के बाद मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी। अदालत महिला की शिकायत पर आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर विचार कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। ओडिशा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत अपराधों से संबंधित मामलों में चार्जशीट दायर करने के लिए वैधानिक अवधि से परे समय बढ़ाने से पहले नोटिस जारी करना और आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करना अनिवार्य है। राज्य के तर्कों को खारिज करते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, यह स्पष्ट है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्तों को पेश किए बिना और उन्हें मामले में अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना जांच पूरी करने के लिए 30 दिन तक का समय बढ़ाने का आदेश दिया था। ये आदेश अवैध और कानून की नजर में अनसस्टेनेबल है। दिल्ली की एक अदालत ने 5 मार्च को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की सेक्शंस 3, 4 और 70 के तहत दर्ज मामले में हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली दंगों के संबंध में 3 एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला दर्ज किया गया था। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लीगल अपडेट्स लगातार पाने के लिए लाइव ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। मैं हूं तानिया पांडे और आप देख रहे हैं कोर्ट्स पिछला सप्ताह। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from LiveLaw.